नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। भीलवाड़ा के रायला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामवासियों और शिक्षकों ने विद्यालय विकास की अनूठी मिसाल पेश की है। विद्यालय स्टाफ ने भामाशाहों के सहयोग से 7 लाख की लागत से प्रार्थना स्थल का निर्माण कराया, जिसका अवलोकन किया और सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अजमेर संभाग के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा राधेश्याम शर्मा थे। उन्होंने रायला विद्यालय की सर्वांगीण प्रगति की सराहना करते हुए भामाशाहों के सहयोग की प्रशंसा की। चूरू के राजलदेसर कस्बे में गोरक्षा दल आजाद ग्रुप द्वारा फोगला शक्तिपीठ उत्तरादाबास में चल रहे नानी बाई को मायरों में दूसरे दिन गो माता की महिमा का वर्णन किया गया। कथावाचक तुलसीराम पांडे ने गो माता की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि गो माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। जहाँ गो माता के चरण पड़ते हैं वहाँ असुरी शक्ति का प्रभाव नहीं होता। चूरू के राजलदेसर कस्बे में राजकीय चिकित्सालय में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सा स्टाफ को तीसरी लहर से अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने कहा कि सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्र को भी सुविधा मिलेगी। आज इत्तेफाक से मैं दूसरे काम से आया हुआ था, तो उसी टाइम पे नायब साहब ने बताया कि जो ऑक्सीजन प्लांट का कितना काम हुआ है। कल हमारी मीटिंग में ये बातें हुई, तो उसी को देखने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट के लिए बेसमेंट बन चुका है और जो इंस्ट्रूमेंट आने थे वो सारे आ चुके हैं। अंदर देखा तो फिटिंग भी लगभग तैयार हो चुकी है। भरतपुर के नंदबई में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर भाजपा ने जनसंपर्क किया। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में गांव में जनसंपर्क कर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को आपसी गुटबाजी दूर करते हुए एकजुटता का मूल मंत्र दिया। स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरुण चतुर्वेदी का माला साफा और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। गहरी नींद में सोई हुई सरकार है। कानून व्यवस्था को लेकर आप देखा, हमने सदन के अंदर भी और अभी हर जिले में मंडल में भी हमने प्रदर्शन किए, गिरफ्तारियां दी, लेकिन इस सरकार पर पूरी किसी तरह का असर नहीं है। कानून व्यवस्था की हालत है कि हम क्राइम रेट के ऊपर देश में पहले नंबर पे हैं, महिला दुष्कर्म में हम दूसरे नंबर पे हैं, दलित उत्पीड़न में पहले नंबर पे आ गए। जब देश में कई राज्य इसमें एक नंबर पे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान पहले नंबर पे राज्य में आकर खड़ा हुआ। ये मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में किसी प्रकार का शासन नहीं, एक तरह से जंगल राज राजस्थान में चल रहा है। चूरू जिले के राजलदेसर कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया। चेयरमैन प्रतिनिधि नानूराम ने सीएम के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवीवी न्यूज़।